क्या करें यार, गर्मी देख लो तो, गर्मी कितनी पड़ रही है। तो मैं क्या करूँ अगर पानी नहीं मिल रहा तो मैं इसमें गुस्सा निकाल रहा है। अरे जीखो कैसा है? अरे शर्मा कोमल क्या हाल है तुम्हारे? अरे हम भी ठीक है। आज तू बड़ा खुश लग रहा है, क्या बात? खुशी का दिन है तो खुश तो रहूंगा ना। आज की 26 जनवरी है क्या, जो स्कूल की छुट्टी है? मेरे को भी ऐसे लग रहा है जब भी खुश होता है इतना। अब मैं खुशी का राज क्या है, राज तो बता। मेरे पापा ने मेरे को पैसे दिए आज। तो 4-5 रुपए में खुश हो जाता है क्या? छोटी छोटी चीजों में खुश ढूंढता है भाई। अबे नल्ले, 4-5 रुपए नहीं दिए मेरे को, पता कितने रुपए दिए? पूरे 1 लाख रुपए दिए। मजाक अच्छा करता है। ये देख 1 लाख रुपए, पूरे 2000 के नोट है, 100 के नोट है, 500 के नोट है, 20 का नोट, 20 का नोट भी है, 200 का भी है और 20 का भी है। इतने सारे पैसे तेरे पास, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे को लग रहा है चोरी वोरी करके लाए। साले मारूंगा उल्टे हाथ का रैप्टा। पापा की पेंशन लगी है, उसके पैसे आए हैं और मैं जा रहा हूँ बाइक लेने इन पैसों की, अपनी फेवरेट। अरे बाइक की फेवरेट स्प्लेंडर है। बेओ महंगी बाइक लूंगा, स्प्लेंडर लूंगा, मैं कोई बढ़िया बाइक लूंगा। जैसे कि R15। स्पेलिंग आती तेरे को R15 की? R15। अरे वो R15 मत ले क्या, हवा में उड़ जाएगा तू उस पे बैठा बैठा, ठीक है? वैसे ही जाननी तेरे शरीर में। चल हम भी चलेंगे। पीछे कहाँ चलना पड़ेगा? अबे भाई तू बाइक लेने जा रहे, हम नहीं चलेंगे तेरे साथ, हम तेरे दोस्त। नहीं नहीं मैं अपना बाइक ले आऊंगा, शोरूम से लेके आ रहा हूँ, थोड़ा बन ठंग जाना पड़ता है। तुम अपने कपड़े देखो कैसे पहन के आए हो। तो क्या दिक्कत है, मैं भी स्मार्ट लग रही हूँ, तू भी स्मार्ट लग रहा है, और तू और परसों लुच्ची की जींस लाया हूँ, ठीक है? और तू हमको बोल रहा है खुद तो देख ले, ऐसा हो रहा है सुंदरी के मंदिर में 2 बीड़ी। अरे कोई बात नहीं, तुमने टाइम वेस्ट करो, मैं बस यूं गया और यूं आया, बाइक से आएगा ना इसीलिए, ठीक है? चलो बाय। अबे यार बोला ना बेच दूंगा तेरी बाइक, तेरे को पता नहीं क्या? तूने सिट्टू दलाल को बाइक दिया है, इसने बड़ी बड़ी बाइक गाड़ियां बेची है, कोई मुर्गा फंसने तो दे। अरे अरे भैया कैसे हो? बढ़िया भैया, आओ आओ। भैया मैं ना सामने वाले शोरूम से आया हूँ, तो उन्होंने बोला यहाँ पे ना सेकंड हैंड बाइक्स मिलती है, क्या मैं सही जगह आया हूँ, यही मिलती है क्या बाइक? हाँ भाई बहुत बाइक है अपने पास, स्कूटी बाइक, स्पोर्ट्स बाइक, बताओ क्या चाहिए? हाँ तुम ये दिखाओ ना एक दो बाइक मेरे को यार, मेरे को लेनी है। बढ़िया सी, आ जाओ भाई। ये है स्प्लेंडर 16 मॉडल, ये है बहुत स्पेशल बाइक। ये भैया ये 100 के तेल में एवरेज देती है 75 की। अरे भाई मेरे को स्प्लेंडर बाइक नहीं लेनी, कोई और बाइक दिखा। तेरा बजट क्या है? पूरे 1 लाख रुपए। 1 लाख? हाँ फिर तो ले ये देख, नई टेक्नोलॉजी डिस्प्ले स्क्रीन, और ये चलती है 100 के तेल में 100 किलोमीटर। 100 रुपए के तेल में 100 किलोमीटर? सेल्फ स्टार्ट, इट्स फैमिली बाइक। कैसी लगी? और मैंने तेरे को बोला ना मेरे को स्प्लेंडर नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, जोर दिखा। या मेरे जैसी शक्ल की बाइक, मेरी जैसी शक्ल की समझा नहीं मैं, सुअर जैसी। आजा इसके फीचर बताता हूँ, ये देख सेल्फ स्टार्ट, 18 लीटर की टंकी, और इसकी रेस है 180 जीरो से 10 सेकंड में। अरे वाह भैया बाइक तो मेरे को पसंद आ गई वाली, तो कितने की बाइक ये वाली? एक काम कर इसको ले जा, तेरे को 1,20,000 में दे दूंगा। भैया अगर थोड़ा सा कम हो जाए तो 1,19,000 कर दूंगा, तू जानकार है अपना इसलिए। नहीं भैया इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, खाली 1,00,000 रुपये अगर उसमें हो जाए तो देख लो, वरना मैं कहीं और ट्राई कर लेता हूँ। हाँ मर्जी है, कहीं और ट्राई कर लो, मेरे पास तो है नहीं। अच्छा रुक रुक, 1,00,000 में दे रहे हो क्या तू? देख मेरे को तेरे पे दया आ गई, तेरी पहली बाइक है शायद, तेरे को देख के लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ तेरे लिए एक बाइक है मेरे पास 1,00,000 की रेंज में, आजा। इससे बढ़िया है ना? इससे बहुत बढ़िया, आजा। KTM 380cc, KTM 380cc।
भैया ये तो मेरी ड्रीम बाइक है, सपनों की बाइक। पर ये भाई तो 2.5-3 लाख की बाइक है, 5-6 लाख की बाइक है, 1 लाख में दे रहे हो, आपको दिक्कत तो नहीं है इसमें? भाई तेरे को इस दुकान का नाम नहीं पता क्या? मेरे दादा वादा के टाइम से चलती आ रही है दुकान, इसे हो गए 150 साल हमें बाइक बेचते, तेरे को यहाँ चोरी की बाइक दिख रही है? भैया बाइक मेरे को पसंद आ गई है वैसे। पसंद आ गई तेरे को? हाँ भैया, KTM है, किसको पसंद नहीं आएगी। ला कैश बिल्लू ना, भाग ना पैसे में। लो ये पूरे 1 लाख रुपए कैश में। कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे मालिक मालिक, थैंक यू थैंक यू मालिक, थैंक यू। ये लो इसकी चाबी मिल जाती तो। चाबी तो अरे KTM की। चलो भैया चलो, आए नाइस डे, जाओ जाओ जाओ, चलो स्मार्ट बॉय से चलाओ, नई नई लड़कियां घुमाओ। अरे भैया ले जाओ। क्या कर रहा है? यार ये निकलो, बाइक कब लेकर आएगा? मुझे तो लगा था पैदल चल के गया, लेकिन बाइक पे आएगा इसलिए जल्दी आ जाएगा, लेकिन वो पैदल चल के गया, शायद इसलिए लेट हो गया होगा, अब आने में भी लेट हो गया। बड़ी माई, ये तो तू KTM लेकर आया। कैसी लगी मेरी ब्रांड न्यू सेकंड हैंड बाइक? अच्छी लगी तो बहुत। रुक जा, ब्रांड न्यू सेकंड हैंड बाइक, ये क्या मतलब है भाई? हाँ अरे भाई वो क्या है ना, मैं KTM के शोरूम में गया था नई बाइक लेने के लिए, तो मैंने उनसे पूछा भाई KTM कितने की है, अरे 6 लाख रुपए की, तेरी औकात है? देख देख मैं तेरे से कहता था नहीं है। नहीं क्या बाबा, तो उन्होंने मेरी बेइज्जती सी कर दी, उन्होंने कहा सामने देख, वो देख वहाँ पर है सेकंड हैंड बाइक का शोरूम, तो वहाँ पे गया मैं, कहा ये बाइक KTM पसंद आ गई मेरे को, कितने की है? 1 लाख की। मैंने लो 1 लाख रुपए, मैं बाइक ले आया। वैसे मैं भी ले सकती हूँ इससे अगर ये इतनी की है तो। तब कर, बैठ जा आराम से बैठ जा। अरे देख लो तू सारी बात छोड़, ये बता इसके फीचर क्या क्या है भाई? हाँ इसको चलाते भी कैसे है मुझे भी जानना, जल्दी बता जल्दी। इसके फीचर सबसे बड़े फीचर बता दे इसका, एक ही बंदा बैठ सकता है। अरे ओ भाई कर ये लो दोगला बंदी, अब कहाँ बैठेंगे यार? अरे भाई तू टेंशन क्यों ले रहा है, मैं हूँ ना, देख पीछे तेरे लिए सीट भी छोटी सी, तेरे छोटे टायर दो, वो दोनों यहाँ पे टिक जाएंगे, एक यहाँ एक यहाँ। बेचारा मेरे बारे में कितना सोचता है। मैं कहाँ बैठूंगी? अरे तू तो पीछे भागती हुई आएगी ना। हाँ तू मोटी, तेले फट्टा लगा देंगे पीछे को ऐसे। मैं मोटी हूँ। हाँ इसमें कुछ शक है बटूरा? ठीक है ये तो कुछ भी नहीं है, इसकी आवाज सुनो, आवाज सुनो तुम पागल हो जाओगे पागल। ओ ठीक है भाई सारी बात छोड़, तू इसके फीचर बता यार। ये सेल्फ स्टार्ट है, सेल्फ स्टार्ट बटन दबाओ भाई चालू। अबे यार मेरे पापा के पास बाइक थी ना उसकी क्वालिटी थी, और आज तो सेल्फ वाली है। ये खुद स्टार्ट हो जाती खुद चलती है? अबे बटन है वो चालू होती है, खाली चलती नहीं है। अच्छा ये बात है क्या? ये नहीं बताया तूने पहले। मोटी मैं तो समझता तू मोटी है, मगर तेरा दिमाग भी मोटा ही है। चलो जा। बिल्कुल भाई मोटा दिमाग है इसके अंदर। अरे सेल्फ स्टार्ट मतलब बाइक चालू होती है, खाली स्टार्ट होती है, इग्निशन। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, तो उसे घसीट के क्यों लेकर आ रहा है, चला के क्यों नहीं लेकर आया? वो भाई पता क्या है, मैंने ये KTM RC बाइक ले तो ली, पर वो ना मेरे को बाइक चलानी नहीं आती। मुझे पता था एक नंबर का ठुसती। अबे भाई तू एक राउंड मेरे को दिखा, देख मेरे को चलानी आती है बहुत अच्छे से। तेरे को आते चलानी? अबे भाई 6 साल का एक्सपीरियंस है पूरा। कसम से? हक कसम से। कसम से? हक कसम से भाई। चला के देखा ना। भाई चलानी आती नहीं, बाइक चलाएंगे। लास्ट टाइम कब चलाई थी तूने? अरे भाई क्या बताऊं यार, मैं तेरे से झूठ बोल रहा था, यूट्यूब पे देखी थी मैंने तो यार। तू भी इससे निकला, कोई बात अब मैं चला के दिखाऊं तेरे को। यस बाइक? यस साइकिल नहीं बाइक, पता है गेट उसके साथ पैर भी नहीं पहुंच रहे। तू बाइक क्या चलाएगी? चल जा चल नीचे आ जा, रुक के पैर पहुंचे बाइक चलाएंगे। करें क्या अब ये बताओ,
कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार, कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ कुछ सोचना पड़ेगा। सोचो। कोई वो बंदा मिल जाए ना, कोई बाइक चलाने वाला, बस सिखाने वाला, तो मजा आ जाए। सोच। और बच्चों क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। अरे वाह बच्चों, तुमने तो नई बाइक ले ली। भैया तो ले ली। हाँ भैया मैं नई बाइक ली है, साइकिल है पर मेरे लिए तो नहीं है। हाँ, और हम इसकी दोस्त, इसलिए हमारी भी है। तो चलाओ ना इसे, खड़ी क्यों कर रखी है? भैया क्या है ना, हमने बाइक तो ले ली पर मेरे को चलानी नहीं आती। ओ, ना मुझे आती। और मुझे तो बिल्कुल नहीं आती। अरे बच्चों टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं अपने टाइम में राइडर था, इसको तो पता ही होगा। हाँ, भैया को आती, भैया राइडर थे, बहुत बढ़िया। फिर तो मैं सिखा देंगे। भैया अगर आपको थोड़ा सा मतलब ज्यादा इतना सा फ्री टाइम हो तो मैं बाइक चलाना सिखा दो, मैं तीनों को ही सिखा दो। इसमें भी क्या सोचना, अभी सिखा देता हूँ। ये बहुत अच्छे है। ये देखो बच्चों, मैं इसमें गया बैठ, मैंने इसे खड़ा करा, स्टैंड हटाया, चाबी करी ऑन, स्पीड भी आ गई। अब देखना ये मैंने कर दी स्टार्ट। अबे ओ कोई नई चीज बता, अभी भी आती है, चलाता कैसे ये बता। अरे रुको, ये देखो मैंने लगा दिया पहला गियर। ओ पहला गियर नीचे लगता है, इसके नीचे नोट कर, लिख के भाई जा। हाँ ठीक है डन, पहला गियर नीचे, ठीक है डन। और अब मैं चला, बाय बाय बच्चों, बाय भैया, छोटी टेस्ट ड्राइव लेना भैया, क्योंकि तेल कम है। भैया बढ़िया। भैया कोमल तेरे? मेरे भैया नहीं है। शर्मा के होंगे? अरे वो भाई मेरे कोई भैया नहीं है, मैं घर में इकलौता हूँ, मेरे को लगा तुम दोनों के भैया हैं। मेरे को लगा तुम दोनों के भैया हैं। मुझे लगा तुम दोनों के भैया। ओ भाई देख लो, इसका मतलब तो तेरी बाइक। मेरी बाइक मतलब? अबे इसको मतलब तेरी बाइक चोरी हो गई है। चोरी हो गई? चोरी? मेरी बाइक चोरी हो गई। अरे पकड़ो उसको, सुनो। अरे यार मेरी KTM बाइक अभी एक घंटा भी नहीं हुआ था लाए। अब उसे ढूंढेंगे कैसे? ढूंढेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते। शर्मा तू इस साइड जा, कोमल तू यहाँ पे जा, मैं जाता हूँ सीधा उसके पीछे, जाओ चलो। अबे यार इन टीकरों की भी ना किस्मत कितनी खराब है, पहले गाड़ी चोरी होगी, अब बाइक चोरी होगी, और वो भी एक घंटे में, कम से कम एक घंटा तो रहती है इसके पास। यार इसके साथ भी बेचारे के साथ कितना बुरा होता है। अबे यार कहाँ ढूंढूं इस गधे की बाइक को, मुझे तो चलाने के लिए भी नहीं मिली थी, मेरी क्या गलती थी। अब इतनी कड़ी धूप में दर-बदर भटकना पड़ रहा है, कब मिलेगी ये बाइक, तंग हो गई, बेफालतू की मुसीबत मोल ले ली अपने। मेरी बाइक कहाँ गई यार, पूरे 1,00,000 रुपए दिए थे मैंने उस बाइक के लिए, अब ये भी लेके आया था ब्रांड न्यू सेकेंड हैंड। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी गाड़ी चोरी हो गई, अब बाइक चोरी हो गई, कल को छोड़ लेके आऊँगा वो भी चोरी हो जाएगा। ऐसा मत कर भगवान जी, मेरी बाइक ढूंढवा दो। कहाँ हो तुम, 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 कहाँ हो तुम। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है यार, कहीं वो तो नहीं मेरी KTM? अबे यार तो प्लैटिनम है, ये तो मेरी बाइक ही नहीं है, मेरी बाइक तो KTM है, KTM। अबे यार सॉरी, जगह देख ली, इधर देख लिया, उधर देख लिया, मगर इस देख रहा हूँ कि बाइक ही नहीं मिलके दे रही। कोमल को फोन करता हूँ, इससे पूछता हूँ मिली या नहीं। शर्मा, हेलो। हाँ शर्मा। अरे कोमल मिली तेरे को देख रहा की बाइक? नहीं यार तब से ढूंढ जा रही हूँ, कहीं नहीं मिली, तेरे को मिली? अरे नहीं यार मेरे को भी नहीं मिली, सारी जगह ढूंढ लिया। चल ठीक है जल्दी आ जा। हाँ चल ठीक है, आता हूँ तेरे पास। हाँ मैं तब तक पूछती हूँ डीगरों से वो कहाँ है। ठीक है।
कहीं तो ढूंढनी पड़ेगी किसका फोन आ रहा है ये। हेलो 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 डिक्रो। हाँ बटूरा। बाइक मिली? अरे नहीं मिली मेरे को मेरी KTM। अब करना क्या आगे ये बता। तुम लोग एक काम करो, जहाँ मैं सबसे पहले बाइक लेके आया था ना तुमको दिखाने के लिए, तुम दोनों वहाँ पे मिलो। चल ठीक है, शर्मा और मैं आ रहे हैं। हाँ ले शर्मा को। ठीक है ओके। ए, तूने मेरी बाइक देखी क्या? बाइक ए, बाइक KTM देखी? तो डर रहे हैं मेरे से यार, मैं भूत थोड़ी हूँ, उनके पास जाना यार, भूल गया मैं तो। अबे यार, अरे कोमल ये डिक्रो का रह गया यहाँ दिख रहे हैं कहीं। आ यार यहाँ ये रहा मैं। आ गया तू, मिली तुझे तेरी बाइक? अरे नहीं मिली मेरे को मेरी बाइक यार। यार मेरे को भी नहीं मिली, सारी जगह ढूंढ ली, गर्मी में इतना घूमी उसके बावजूद नहीं मिली। मैं तो अपने घर जा रही हूँ, बहुत देर हो गई। बाइक मारता डिक्रो, बाइक दिखा दे। अब बाइक नहीं मिली, मैं घर जा रही हूँ। कौन सी तुझे दिखा दी थी? नहीं दिखाई ना तो क्या हो गया, दिखा दूंगा। अरे बाइक तो ढूंढो मेरी यार, बैठना यार। अब बैठ जा तेरी क्या। अरे सलाम 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 करना। एकदम कैसे प्रकट हो गए आप यहाँ पे? अरे तुमने पुकारा और हम चले आए। हमने नहीं बुलाया तुमको, हमने बुलाया इसको। कौन बोला उन्होंने? हाँ हमने नहीं पुकारा तुमको, हमने पुकारा इसको। नहीं हमने नहीं पुकारा। अरे वो क्या है ना कि हम थाने में बैठ के मक्खियाँ मार रहे थे तो सोचा गलियों में घूमने चले जाए। वैसे ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ मक्खी मार रहे। देख लो बता देना। अरे शर्मा ठीक है बोलता हूँ, रुक जा। अरे सर वो क्या है ना कि एक दिक्कत हो गई है। कैसी दिक्कत? अरे वो चोर। चोरी 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 चोरो तुम चोरो। अरे सुनो पूरी बात है, सुन लिया करो पहले, क्या बोल रहा है वो? अक्ल का दोस्त, पूरी बात सुना करो तो पहले, चोर सुनते। अरे सर बात ऐसी है कि मेरी ना बाइक चोरी हो चुकी है, KTM नहीं लेके आया था, एक घंटे पहले चोरी हो गई वो। आरसी नहीं आई उसकी अभी। अरे यार डिग्रो तेरी किस्मत तो एकदम खराब है, पहले कार चोरी हो गई और अब ये बाइक। अब बताओ ये कोई तरीका होता है, तू ही बता है। अरे मेरी किस्मत ही खराब है, क्या करूं अब मैं। FIR लिखो, लिख भाई इनके FIR लिख, जल्दी लिख। अरे पिछली बार लिखी थी जब आपने कौन सा कर दिया था कुछ FIR ना, हमको लिखवानी FIR वगैरह कोई। हां ये सब छोड़ो, ये बताओ कि ये तुम्हारी बाइक दिखती कैसी है? जैसी सुअर। बाइक सुअर कब से होने लगी? जबान संभाल के, सुअर नहीं मेरे जैसी अच्छी बाइक दिखती है वो। अरे इसके कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि गाड़ी जो है इसके कपड़ों के कलर जैसी दिखती है, ऑरेंज। अच्छा संतरी कलर की KTM। लेकिन संतरी कलर की KTM तो बहुत सारी होंगी ना मार्केट में। हाँ यार क्या तो सही है, बहुत सारी KTM होंगी ऐसे तो यार। अब हमें कैसे पता लगेगा कि डिक्रो की कौन सी है? तुम एक बात बताओ कि तुम्हारी बाइक में खास क्या है? हाँ खास है उसके ना पहिए दो ही है, खाली पहिए दो हैं। ठीक है एक हैंडल भी एक ही है ना उसमें? हाँ एक ही है हैंडल, एक है और साइलेंसर भी एक है उसमें। देख लो सबसे जरूरी बात जनाब, एक इंजन भी था उसमें, सीट दो है उसमें, दो बंदे बैठ सकते हैं उसमें। हाँ सारी चीज एक ही, बंदे कैसे दो बैठ रहे हैं? खैर पर हाँ उसकी फोटो भी मेरे पास, फोटो है। अरे यार जब से तेरे पे फोटो है तो हमसे माता बच्चे क्यों कर रहा था तू? एक बात बता फोटो दिखा। अबे कौन है यार? पता था तो बताया कि नहीं, तो दिखा रहा हूँ ना। ऐसी दिखती है तेरी बाइक? बिल्कुल ऐसी दिखती है बाइक। अच्छा ठीक है तो ढूंढ लेंगे, एकदम ढूंढ लेंगे। पर कैसे मिलेगी? कैसे हम एक काम करते हैं ना, हम इस फोटो के ना बहुत सारे पर्चे निकलवा लेते हैं, फिर गली गली जाके छाप देंगे और फिर हमें बाइक मिल जाएगी। क्या तो सही रहे हो भाई आप, देख रहे हो वैसे इस बार साहब ने दिमाग अच्छा लगाया है। प्रमोशन भी तो करवाना है ना। हाँ चलो निकलवाते हैं भाई। और कहाँ निकलेंगे वो पर्चे? अरे बताना तू इसे। अरे जनाब तुम ही बता दो ना यार। मैं ही बता दूँ? अरे प्रिंट आउट की दुकान पे, एक काम करो तुम इसे लेके जाओ, ये वैसे भी वेस्ट है। पैसे मिल जाते प्रिंट आउट के? पैसे हाँ मेरा अकाउंट नंबर है ना इसमें, लेके जाओ। ठीक है। वैसे मेरे को एक बात पूछनी थी तुमसे। जी। आपका नाम तमन्ना और आपके पापा का नाम सरफरोशी है क्या? मेरा नाम बाहुबली है। सुअरों का नाम बाहुबली कब से होने लगा? वैसे क्यों? क्योंकि वो क्या है ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। करवाओ क्या प्लेटिंग तेरी? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बाइक ढूंढने चलते हैं ना। हाँ चलो पे ध्यान दो।
हुआ कुछ? अरे यार डीक्रो भाई, सारी जगह पोस्टर लगा दिए मगर मेरे को तो लगता बाइक मिलेगी यार। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, सब जगह पोस्टर लगा दिए। ये इस माशे का आईडिया था ना। ओ क्या करना भाई, इतनी मेहनत करा दी तुमने इसके ऊपर। अरे यार देखो बेटा, हमसे जितना हो सकता था हमने कर दिया। ये 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 ये, ये, ये सेम डायलॉग बोलता है भाई, हमसे जितना हो सकता था ना हमने किया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम जा रहे हैं। अरे सेम डायलॉग बोलता है, ये पिछली बार भी बोल रहा था। नहीं ढूंढवानी साहब बोल दो घुमाओ मत। अरे एक तो तुम्हारी हालत कर रहे हैं, उल्टा हम भी चल रहे हैं, बताओ। ये बोला गूंगा बोला। ओ, ये भी बोलता है क्या? बेटा नया है ना, चुप रहा करो। करा ली बेइज्जती, चुप। कुछ सोच, तुझे सोचने के पैसे देता हूँ ना मैं, सोच। कुछ सोचता हूँ अभी, रुको। सोचो। सनी अबे सामने देखो उसको, उसके कपड़े देखो, जो बंदा स्कूटी के ऊपर है। पर दिख रहा हूँ ये तो वही है। हाँ जिसने हमारी केटीएम बाइक चुराई थी। हाँ। सेम कपड़े सेम पढ़ना। हाँ वही सेम पढ़ना। अरे जनाब ये वही बंदा है जिसने हमारी केटीएम बाइक चुराई थी। पक्का तुम सौर हो? अरे हाँ यार वही है। तो चलो कैसे शक्ल क्या रहते हो? भाई ये बंदा कौन है? ये बंदा, अबे ये वही बंदा जिससे मैंने केटीएम बाइक खरीदी है। हाँ इसका मतलब समझे? मतलब कि ये वो ये। अबे चुप कर तू, ये वो ये। अबे भाई चोरी की बाइक का रैकेट चला रहा है। हाँ देख रू तू सही कह रहा है, इसके पास एक नहीं देख कितनी सारी बाइकें खड़ी है। हाँ भाई सही कह रहा है, पक्का इसने मेरी केटीएम मेरे को बेची पहले 1,00,000 रुपए में, फिर मेरी केटीएम चोरी कर ली इसने, अब इसे दोबारा बेच देगा। अच्छा इससे बात करता हूँ मैं। सर ये जो बंदा है ना, ये चोरी की बाइक का रैकेट चला रहा है। क्या चोरी की बाइक? चोरी की बाइक? चोरी की बाइक? हाँ चोरी की, चोरी की, चोरी की। और इतना ही नहीं, इस बंदे ने मेरे को केटीएम बाइक बेची और वही बाइक इसने चुरा ली। अबे तू क्यों चिपक रहा है मेरे पे? तू रुक। ए सर तुम्हारी बीवी ना चिपका तुम्हारे, मैं क्या देखूंगा। ठीक है तो तुम संभालो मैं चलता हूँ। अरे सर वो चोर है, चोर आपको चोर से एलर्जी है ना, चोर को पकड़ो। चोर को पकड़ो? ठीक है तो तुम संभालो मैं चलता हूँ। अरे जनाब तुम फुस्सी बम के साथ साथ खस्सी भी हो गए क्या? पुलिस वाला तुम भूल गए? मैं पुलिस वाला? आप ये बताओ तुम्हारे पास कोई प्लान है मेरी बाइक वापस लाने का? प्लान प्लान प्लान? अरे मेरे पास है सर प्लान। अबे तू चुप रह, दरोगा मैं हूं कि तू? अबे ओ तू चुप कर, उसको बोलने दे रहा तू। तू नया है ना, तू बोल ले। हाँ तो मेरे पास प्लान ये है, एक काम करते हैं हम दोनों ना ड्रेस चेंज करके इसके पास बाइक लेने चलते हैं, क्या पता जो इनकी बाइक है वो उसके पास निकल जाए तो हम इसको रंगे हाथ पकड़ सकते हैं ना। केटीएम चोरी वाली? हाँ। अरे वाह क्या दिमाग वाली बात कर रही है। अच्छा तो यही है। ओ क्या तो नकली दरोगा बन के घूम रहे हैं नकली सारे। तो भी निकल, तो भी निकल, उसको बना बना। आज से इंस्पेक्टर तू और दरोगा तू। फॉलो मी। जनाब आप आगे चलोगे ना? यस चलो। अबे हाँ यार हो गया तेरी बाइक का जुगाड़, तू आ तो जा दुकान पे, आ जा जल्दी। हाँ सर। वैसे मैंने सुना है कि आप पुरानी बाइकें नई करके बेचते हो, कोई नया सौदा है क्या? अरे भाई आगे बाइक की बात कर रहे हो उससे पहले तो ये बताओ, पुराना भी बोल रहे हो नया भी चाहिए क्या तुम्हें? कुछ नया तड़कता भड़कता ना आया हो। चलो फिर तुम्हें बाइक चाहिए? क्या बोल रही होंगी इससे, कैसे कन्विंस कर रहे होंगे इसे? तो भाई पहली बाइक है ये स्प्लेंडर 16 मॉडल नए प्रोसेसर के साथ। अरे अपने को ऐसा कुछ नहीं जमता, अपने को स्पोर्ट बाइक चाहिए, स्पोर्ट बाइक। तुम्हारा बजट कितना है? अपन के पास पूरा 1,00,000 रुपया, अब अपने को स्पोर्ट बाइक चाहिए। स्पोर्ट बाइक है तो बता। एक कंचा पीस है किसी को बताना मत। है तो दिखाना फिर, आ जाओ मेरे पीछे। ये कपड़े के नीचे क्या रखा हुआ है छुपा के? मोटा मोटा दिख रहा है। हाँ। तो तेरी केटीएम है? निकलो। सेकंड हैंड है। केटीएम स्पोर्ट्स 380 बुलबुल का बच्चा। अरे भाई ये तो बुलबुल वाली बाइक है जो फोटो में थी, अब केटीएम वाली। हाँ
मैं संभालता हूँ, उधर जाओ। तुम देख रहे हो चले। अरे देर किस बात की है, मैं चला के बोलता हूँ। अरे सर यही चोर है, पकड़ो इसको, पकड़ो। अरे सर पकड़ो। हाँ सर मारे। अरे काम करो, शॉर्टकट से ले लूं मैं। हाँ देख लो, ले लूं। यहीं कहीं रास्ता है शॉर्टकट का। हाँ हो रहा हो रहा। अबे ये मैच से पहले कैसे आगे आगे? अब देखना दोस्तों, इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, जिंदगी भर याद रखेगा। अच्छा मतलब KTM वर्सेस चेतक होएगी अब। चल बे। उदय आ जाओ बेटा, मैं भी देखता हूँ कैसे हराते हो। ले जाओ इसे। चिंता मत करो, अभी हमारे हवाले है। सर इसने मेरे को बाइक बेची थी और इसी ने मेरी बाइक चोरी करी थी, इसको छोड़ना मत, ले जाओ इसको। कड़ी से ये देना इसको। अरे तुम चिंता मत करो, अभी ये मेरे इन कानून के हाथों में आ चुका है, अब इसे कड़ी से सजा मिलेगी। चिंता मत करो तुम, और वैसे भी इसकी काफी कंप्लेंट आ रही थी थाने में, और बच्चों तुम्हारी वजह से आज इसे हमने पकड़ लिया। धन्यवाद, जाओ तुम इस बाइक को लो, निकलो। सर वो मेरे 1,00,000 रुपए जो इसने लिए थे बाइक के बदले। तुझे 1,00,000 रुपए बाइक मिल गए ना, निकाला। बाइक तो आई गई, मेरा बाइक तो आ गई। ठीक है सर, बाय बाय। अरे भाई मैं बाइक मिल गया हमको यार, मजा आ गया यार, चले।